नंबर एक। गाइस इंडिया में 140 करोड़ की पॉपुलेशन में सिर्फ 10 करोड़ लोग ही ऐसे हैं जो कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन 13 करोड़ से ज्यादा लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। और पिछले साल तो 3 करोड़ लोगों ने म्यूचुअल फंड से ही अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू किया था। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि अगर हम डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो नॉलेज कम होने की वजह से और सही से रिसर्च ना कर पाने की वजह से हमें अच्छे स्टॉक्स खरीदने में प्रॉब्लम होती है, जिससे घाटा भी लग सकता है और फिर हमें डर भी लगा रहता है कि गलत स्टॉक चुन लिए तो पैसा डूब जाएगा। इसलिए आजकल इन्वेस्टर्स, खासकर बिगनर्स, म्यूचुअल फंड से ही अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू करते हैं। इसलिए अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो हर महीने कुछ अमाउंट जैसे कि 500, 1000 या 2000 रुपए से म्यूचुअल फंड की अपनी जर्नी को शुरू कर सकते हैं। फैक्ट नंबर दो। गाइस हार्वर्ड के वैज्ञानिकों ने बूढ़े लोगों को जवान करने का तरीका इजाद कर लिया है। जी हाँ गाइस, अब 60 साल का बूढ़ा आदमी भी 30 साल के युवा जितना ताकतवर होगा और उसकी स्किन भी उतनी ही कसी हुई होगी। और ये दावा वैज्ञानिकों ने कोई हवाबाजी में नहीं किया है, बल्कि उन्होंने बकायदा बोस्टन के लैब्स में बूढ़े और कमजोर नजर वाले चूहों पर शोध किया और उन चूहों को पहले से ज्यादा स्वस्थ और मजबूत चूहों में बदल दिया। यहां तक कि उनकी उम्र के कारण कमजोर पड़ी नजर भी ठीक हो गई है। यही नहीं, वैज्ञानिकों ने तो यह भी दावा किया है कि शोध के बाद ना केवल उम्र पीछे लौटती है बल्कि उसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है, यानी समय से पहले किसी को बड़ा या बूढ़ा भी किया जा सकता है। मतलब कि अब वो दिन दूर नहीं जब वैज्ञानिक किसी इंसान को उम्र से पहले बूढ़ा और बूढ़े को जवान कर देंगे।